तो दोस्तों सुबह का टाइम हो रहा है, 10 के बज रहे हैं और मैं ना अभी लेट उठाऊं तो ना मैं ऐसा करता हूँ, अपने तोतों को पे फिलहाल खोल देता हूँ, लेकिन मैं आज ना ये क्या करूंगा, चूजों को नहीं खोलूंगा, क्योंकि मैंने ना चूजों को सुबह सुबह खोल के ना चला गया था सोने के लिए, तो ये ना मतलब कि बहुत फिर लिया इन्होंने इस टाइम, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनको बंद किया है, तो हम अपने तोतों को बाहर छोड़ देते हैं और फिर आपसे मिलता हूँ। ये तो दोस्तों मैंने ना ये एक रख दिया पिंजरा, मैं दूसरा लेके आता हूँ। तो यार चूजे ना बहुत तंग कर रहे थे, अभी अभी ना मैं तोतों को बाहर निकाल रहा हूँ ना, बहुत तंग कर रहे हैं, बार बार बाहर जाई जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया इन्हें इधर ही बंद कर दिया। आप लोग बताएं कि इधर सही है या नहीं, फिलहाल के लिए इधर ही बंद किया है, तो थोड़ी देर तक ना मैं इनको खोल दूंगा, और इधर जो हमारा पिंजरा है ये भी मैं ले जाता हूँ, इन्होंने तंग किया था उसकी वजह से ये भी रह गया। तो फाइनली दोस्तों मैंने ना पिंजरे बाहर रख दिए, ये देखें यार, ये ना मैंने पानी का प्याला यानी कि भर लिया अभी, और ना मैं इधर ही रख देता हूँ, इधर चिड़िया आएंगी ना तो खुद ही पी लेंगी, साथ ही तोते पड़े हैं तो खुशी खुशी से पी लेती हैं खुद ही। तो दोस्तों आज ना धूप का बताओ, धूप तो आज बहुत ही तेज़ है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि है, तो बहुत ही ज़्यादा धूप है आज, तकरीबन 112 फ़ारेनहाइट है। तो यार ये ना कॉकटेल का ना पानी बड़ा गंदा, यार ये कॉकटेल का ना बहुत पानी गंदा हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ना इससे साफ़ कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली यार पानी भी मैंने डाल लिया है, तो अब हम चलते हैं अपने तोतों की तरफ, देखते हैं कोई मसला तो नहीं है या कोई खुराक का मसला हो। तो यार मैं पता है क्या करता हूँ तोतों को, ये करता हूँ कि सुबह को एक ना एक टाइम सुबह को डाइट दे देता हूँ, आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना सुबह को डाइट दिया करूँ या नहीं, तो ना मैं सुबह को देता हूँ तो ये बहुत शौक से खा लेते हैं, शाम को फिर देता हूँ जाके ना, दोपहर को नहीं देता क्योंकि सुबह ये ना ज़्यादा खुश होकर खा लेते हैं, तो मैं इसलिए सुबह देता हूँ। लेकिन एक मसला हो रहा है अभी, इधर ना पानी गंदा हो रहा है तोतों का, तो मैं ना सारों को साफ़ कर लेता हूँ, आप इधर देखें ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? तो दोस्तों मैंने ना अभी आपको एक चीज़ दिखानी है, तो यार मैं आपको पहले बताऊँ, मैंने ना पहले ये यानी कि इधर बड़े पिंजरे रखे हुए थे, अब मेरे पास छोटे भी आ गए, और आज ही एक सरप्राइज़ भी आ रहा है, तो आपने गैस करना है लाजमी कौन सा वो सरप्राइज़ है, बस कुछ ही देर है वो, उसमें थोड़ी देर तक वो आने वाला है, तो मैं लेने चले जाऊँगा उसे, और थोड़ी देर तक आपको दिखाने वाला हूँ, तो आपने गैस लाजमी करना है कि वो कौन सा सरप्राइज़ हो सकता है। तो दोस्तों हमारा ना अब सेटअप ना आबाद होता जा रहा है, वो ऐसे कि अब ना देहात की तरह मर रहा है बिल्कुल ना, हमारे यहाँ पे भी पिंजरे हो गए हैं, इधर मैंने ये चीज़ बनवा ली थी, तो अब इधर देखें आप, इधर भी ये पिंजरे भर गए हैं, और इधर कुछ मैंने पौधे लगा लिए इधर ही, क्योंकि क्योंकि इधर ना पौधे लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है और ऊपर चढ़ जाते हैं, तो इधर अब मैं आपको ना स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें, ये अब मैंने ना इधर किचन भी बना लिया है, अब जो भी चीज़ इधर बनानी होती है ना मैंने ना इधर ही बना लेता हूँ, और इधर से तोतों को प्रोवाइड कर देता हूँ, और जो भी चने वगैरह उबालने होते हैं या तोतों को चूज़ों को कोई चीज़ डालनी होती है वो भी इधर से डाल लेता हूँ। तो यार माशाल्लाह से ना कल इसको क्रीम लगाई थी, माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो गया ये, तो आपने इसके लिए अभी भी दुआ लाजमी करनी है कि और सही हो जाए, कुछ ना कुछ तो सही हो ही गया। तो यार ये ना तोती अच्छे से इनक्यूबेट कर रही है अंडों को, तो चलो इधर ही रहो, तो इससे ना अभी डाइट थोड़ी देर तक दे देंगे, क्योंकि अंडे दिए होते हैं तो ज़्यादा इन्हें भूख लग जाती है, तो बाकी इधर खेल रहे हैं परिंदे। यार जिस चीज़ का इंतज़ार था वो मैं अभी ना लेके आने लगूँ, आप लोगों ने गैस लाजमी करना है तो आके आपसे मिलता हूँ। और फाइनली ना मैं आप वो चीज़ लेके आ गया हूँ, वो सरप्राइज़, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली वो चीज़ आ चुकी है, ये देखें, मेल तो मेरे पास पहले से था, फीमेल मैं नई लेके आया हूँ, यार ब्लैक मिल रही थी कल को, तो मैंने क्या किया भाई से कहा था कि वाइट चाहिए मुझे, इस टाइम अभी अभी मुझे ना वाइट मिल गई, तो माशाल्लाह ये भी पेयर हमारा कंप्लीट हो गया, तो आप बताएं आपको कैसी लगी ये। तो दोस्तों माशाल्लाह से ना हमारा ये सेटअप कंप्लीट हो गया, यानी कि ये पेयर भी बन गया, सिर्फ अब ये रह गया, वो तो अकेले ही मैं लेके आया था, अकेले ही अच्छा लगता है, तो ये भी रह गया और सिर्फ ये पूरी हो गई, बाकी सारा अब सेटअप अच्छा बन गया, तो आपने ना चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मैं क्या करता हूँ अपने ना तोतों को ना सॉरी चूज़ों को ना खाना डाल देता हूँ, तो दोपहर का इनका ना खाना डाल देता हूँ, इनको तो 3 से 4 दफ़ा देना पड़ता है खाना, तो इधर मैंने बंद किए हुए, तो मैं ना इनको खोलता हूँ। तो ये देखें बाहर, तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही शौक से खा रहे हैं, आज पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, लेकिन वैसे बहुत शौक से ये खाते हैं।
फाइनली यार शाम हो चुकी है और इधर मैंने ना सारे तोतों के ऊपर शावर कर दिया। बहुत ही यार आज गर्मी थी तो ना तोते बहुत ही यानी कि जुबान बाहर निकाली हुई थी, इन्होंने चोंच बिल्कुल खोली हुई थी, तो मैंने ना सारों पे शावर कर दिया। और जो मेरे इधर परिंदे पड़े थे ना वो मैंने अंदर रख दिया। हमने चावल बनाए थे तो चावल जो थोड़े से बचे थे ना वो हमने ना चूजों को खोल कर डाल दिए और उनकी दोपहर की डाइट बन गई। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ चूजे ना आराम कर रहे हैं अंदर ही, तो ये देखें अंदर ही होंगे, ये फिर रहे तो इन्हें इधर ही बंद रखते हैं। तो हम चलते हैं अपने तोतों की तरफ। तो यार कुछ कॉकटेल ना अंडे दिए हुए और हमने ना उनकी कैंडलिंग करनी है, लेकिन वो ऐसा है कि अभी नहीं करनी, हम कल को करेंगे, कल को फिर हम इनके अंडे देखेंगे कि कुछ बना भी है या नहीं। तो फिलहाल हम ऐसे ही देख लेते हैं। तो यार दोस्तों इसमें ना एक अंडा और इसमें ना 8 अंडे हैं, तो हम कल को ना इनकी कैंडलिंग करके आपको दिखाएंगे और बिल्कुल व्लॉगिंग में आपको दिखाएंगे, तो कल ही पता लगेगा कि इसमें बच्चे निकल रहे या नहीं निकल रहे। तो दोस्तों मेरे ये वाले तोते देखे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं, तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये ना ये ताज वाले हैं दो, और वो दोनों एक जैसे सेम निकले थे और ये दोनों सेम निकले, तो ना मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आपने गैस करके बताना है और वैसे ही आपने कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लाजमी लिखना है कि आपको कैसे ही लगते हैं ये वाले। तो यार मुझे ये लगता है गर्मी बहुत है, ये अंडे ख़राब ना हो जाए, कहीं एक से दो ही अंडे हैं तो ये ना हो कि कहीं ख़राब हो जाए नमी कम मिलने की वजह से, और ये इनक्यूबेट ही ना करे, तो ये भी ख़तरा बहुत है कि इसके अंडे ख़राब ना हो जाए। चीज़ दिखा तो आप भी हैरान हो जाएंगे, तो वो है क्या चीज़, और मतलब कि है तो सारे एक जैसे ही, लेकिन मैं अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो यार इसकी शक्ल और इसकी शक्ल, इसकी शक्ल और इसकी शक्ल और ये, तो यार ये सारे ना एक जैसे हैं, यानी कि शक्लों में ना एक जैसे हैं, ये वाला भी और इधर जो मैंने आपको दिखाए हैं ये वाला और नीचे ना ये दो जो है ना सेम है बिल्कुल। तो ये बहुत मसला होता है, हमको ना चेक करने में बड़ा मसला होता है, तो सारे एक जैसे हैं। तो यार मैंने ना अपने चीकू और अमरूद के पौधों को ना कल खाद दी थी और मिट्टी अब देखें अब खुश्क हो गई है, और ना ये मिट्टी मैंने देखा है कि बहुत ही ना ऊपर आ गई है, यानी कि पानी ना अब इससे बाहर आता है। तो मैं क्या करता हूँ इसे ना खोद के ना मिट्टी कम करता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। फाइनली यार मिट्टी खोद लिया मैंने सारी, अब इसको ना मैं कहीं और डाल देता हूँ, यानी कि किसी और पौधे के नीचे डाल देता हूँ, यहाँ पे कम है, तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली यार 5 मिनट लगे और ना मैंने ना सारी मिट्टी निकाल के ना यानी यहाँ से यहाँ बैलेंस कर दी बिल्कुल, और ना मैंने दूसरी जगह पर रख दी है सारी, मतलब कि उधर ना सेट करके बिल्कुल रख दी है उधर ही, तो बाद में कर लूँगा जो करना होगा। तो फिलहाल ये तो हमारा सही हुआ पानी देने के लिए, तो इतना सही है। तो यार मैंने ना इधर ना एक एलोवेरा लगाया था, तो उसको क्या हुआ वो ना थोड़ा मुरझा गया, मैं समझा शायद मतलब कि सड़ ही गया, तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सही है। लेकिन उसने क्या किया यार बच्चे दे दिया उसने, यानी कि बहुत सारे ना नीचे से पफ्स निकाले हैं, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें एक ये और एक और निकल रहा था पीछे, तो वो अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, मेरे ख्याल है या गल गया होगा ज़्यादा पानी लगने की वजह से। तो यार चिड़ियों को ना भूख लगी हुई है, मैं क्या करती हूँ इन्हें ना शाम की फीड दे देता हूँ, यानी कि डाइट दे देता हूँ इनकी, तो ये खा लेंगी, मेरे ख्याल है इनकी डाइट थोड़ी कम हो गई, यानी कि इन्होंने सुबह खा ली है, और अभी मैं इसको दोबारा डाल देता हूँ। तो यार मैंने ना इनको फाइनली डाल दी है। तो यार जो मैं परसों चौथ कॉकटेल ही लाया था नया, तो ना उसको भी बहुत भूख लगी हुई है, उसके भी बहाने ना इसी की भी डाल देता हूँ, तो ना ऐसा करता हूँ सारों को ही डाल देता हूँ अभी, तो पेट भर के अभी खा लेंगे। सारों का फीड डालती है, लेकिन ना फीड थोड़ी कम रह गई है, तो हम कल मार्केट जाएंगे, उधर अगर कोई परिंदा पसंद आया वो भी ले लेंगे और फीड भी ले लेंगे, इसी बहाने परिंदे देख भी लेंगे। तो यार आपको ना एक मज़े की बात बताता हूँ, जो हमारा यानी कि कमरा है ना, जो हमारा स्टोर रूम है, उसमें हमने सारे परिंदे रखे होते हैं, तो हमने क्या करना है कल तो अगर टाइम मिला तो फीड तो सही है, नहीं तो हमने उसको परसों बिल्कुल साफ़ कर देना है,
तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो उसमें और परिंदे अगर कोई दिल किया तो वो भी रखेंगे। तो आप लोगों ने दुआ लाजमी करनी है, और ना आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि हम उसे साफ करें या ऐसी रहने दें, लेकिन साफ करेंगे तो भाई ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये जैसे जैसे गंद है ना, बिल्कुल सारा मैंने सफाई कर देनी है। और इधर देखेंगे अगर और चीज़ें रखी गई, और इधर ये खिड़की भी खोल देंगे फिर ना। तो इधर चूज़े तो बंद किए हुए फिलहाल। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक लाजमी कर दो, और हमारे चैनल रिमेक अलमदियात को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।